चलिए ठीक है, चलिए आनंद सर मैं अपना पहले परिचय दे देती हूँ। मैं दीपमाला मित्र, मैं पटना बिहार से हूँ और इस मंच पर आकर फाउंडेशन ओपन की हूँ जो ऑर्गन डोनेशन और छोटे बच्चों के लिए कार्य करती है। और बहुत सारे लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का हमारे मंच पे, मंच से भी लोगों ने किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारा ये ऑर्गन डोनेशन मोदी जी के मन की बात तक उन्होंने बहुत रिस्पॉन्स दिया है मन की बात में अपना। और चलिए सर, हमारा जो इनिशिएशन का है तो वो हम अपना एक कहते हैं ना कि जो एक ऐसे आपको बहुत टाइम से दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो परंपरा जो है हमारी जो इसमें आपको लेने के लिए, तो वो बस परंपरा एक अपनी जो हम लोगों की परंपरा रीति रिवाज जो बोलते हैं ना, तो बस उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आपने तो बहुत अच्छे अभी को सारे क्वेश्चन दिए, एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या आप सोशल वर्क बहुत ज्यादा अगर पसंद करते हैं तो सोशल वर्क में आप मित्रों को कितना लाइक करते हैं और कहाँ तक इसको आप कितना कर सकते हैं इसके लिए, अगर जरूरत पड़े तो आप इसको इसके लिए कितना डिवोटेड हैं सर? सोशल में मैम एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास जो भी है वो मैं मित्रम परिवार के बीच दे सकूं। ये एक फिक्स टाइम तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास जो भी समय बचता है या भी मैं जो भी जितना भी समय निकाल पाऊं पूरे दिन में, वो मित्रम परिवार के प्रति मैं समर्पण कर सकूं। जी सर, और आप सर इतने टाइम से जुड़ रहे हैं तो आप क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे मित्रम फैमिली के लिए, या कुछ आइडिया आपके पास ऐसा है? प्रेजेंट टाइम तो मैं ऐसा कोई अभी सजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे मित्रम परिवार से जुड़े और इसके बारे में समझने के लिए मुझे ही समय चाहिए, तो मैं अभी मित्रम परिवार का और थोड़ा समय लूंगा, उसके बाद मैं इस बात पर कुछ बोल पाऊंगा। ओके सर, और चलिए बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ टैगोरी मैम है, टैगोरी मैम आवाज आ रही हो तो आप भी अपना क्वेश्चन कर लें। जी सर, मैम क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ ऐड कर दूं आनंद जी को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। एक्चुअली आनंद जी, इंटरव्यू कम एक इनिशिएशन प्रक्रिया है, जैसे कि आप हम लोगों के बारे में कुछ जानेंगे, और क्योंकि आप 3-4 दिन से ज्यादा मित्रों के साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, और उसके बाद हो सके हम आपको ग्रुप में ऐड करें ना करें वो बात की बात है, क्योंकि मित्र आपसे कुछ लेंगे नहीं आपको टाइम और डिवोशन की ज्यादा, और अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सॉल्व करने में हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि हम 100% करेंगे, क्योंकि हम लोग का भी एक गाइडलाइन होता है और उसके बाहर हम नहीं जा सकते, हो सकता है मैन पावर ज्यादा नहीं है, फाइनेंशियल इश्यू है, बहुत सारी चीज होता है जिसके कारण हम कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो बेसिक इनिशिएशन का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा हम लोग के बारे में जानेंगे, हम आपके बारे में जानेंगे, तो जैसे कि सर मैं पूछूंगी आपसे कि आप जैसे सोशल वर्क करने में आपको कितना इंटरेस्ट है, आप आपका इच्छा है या मन है, इसके बारे में क्या बात बोलेंगे आप? बिल्कुल इच्छा है, इसलिए कि अगर इच्छा ना होता तो शायद मित्र परिवार से मैं नहीं जुड़ पाता या इससे इतना लगाव नहीं हो पाता, अगर जुड़ता भी तो 2-4 दिन के बाद। एक आंतरिक लगाव जब तक नहीं होता है तब तक हम उसके प्रति ना समय दे पाते हैं और ना उसके प्रति हम कोई आगे बढ़कर कार्य कर पाते हैं। तो बिल्कुल मैं दिल से चाहूंगा कि मित्र परिवार से जुड़ो, इसके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है। आपके परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में हमारी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, दादा है, 2 भाई है, 3 बहनें हैं, 1 छोटी है, 1 बड़ी है। साथ में रहते हैं आप लोग? मैं अभी प्रेजेंट टाइम गाजियाबाद में रहता हूँ, बाकी फैमिली बिहार में ही रहते हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स रांची में, झारखंड में रहते हैं, कुछ नई दिल्ली में भी रहते हैं। ओके सर, तो आप इसके पहले का भी सोशल वर्क में आप जुड़े हैं? नहीं मैम, ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला, चूंकि हमारा जो लाइन था वो बिजनेस लाइन था जिससे हम अपना टाइम नहीं निकाल पाते थे, तो मैं ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाया हूँ इससे पहले। ओके सर, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तो सर जैसे कि दीपा मैम आप अगर कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, या सर को अगर कोई क्वेश्चन है तो लीजिए। हाँ, हमारे साथ आनंद सर है। राहुल सर आप फ्री है क्या, आपको कोई क्वेश्चन करना हो? आप
आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? राहुल सर माइक आपका ऑफ है। चलिए ठीक है। आनंद सर बहुत अच्छा लगा, आनंद सर भी क्योंकि बिजी हैं, वो ऑफिस शेड्यूल में ही अपना टाइम दिए हैं हम लोगों को। और